लोग स्वस्थ रहें ताकि देश स्वस्थ रहे, इसके लिए जिला प्रशासन व नगर परिषद के सहयोग से रेवाड़ी में करोड़ों रुपए की लागत से अनेकों सुंदर पार्कों का निर्माण किया गया है। इन्हीं पार्कों में से राव तुलाराम पार्क भी एक है, जहां सुबह शाम बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सैर करने आते हैं। लेकिन आजकल यह पार्क नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, लेकिन देखने सुनने वाला कोई नहीं। आपको बता दें कि पार्क में आने वाले नशेड़ियों की संख्या और बदहाली को बढ़ते हुए देख आम जनता ने इस पार्क में आना छोड़ दिया है। पार्क में जिधर नज़र दौड़ाओ हर तरफ शराब की खाली अड्डे पौए के साथ चारों ओर फैली गंदगी ही नज़र आती है। इस संदर्भ में पार्क में आने वालों की माने तो वह पहले अपने परिवार के साथ सुबह शाम घूमने आते थे तो अच्छा लगता था, लेकिन अब यह पार्क नशेड़ियों का अड्डा बन गया है, इसीलिए वह अपने बच्चों को यहाँ लाना पसंद नहीं करते। जगह जगह बिखरी शराब की खाली बोतलें और नशे के खाली इंजेक्शन पार्क की बदहाली बयान कर रहे हैं। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि नगर परिषद ने लोगों की सुविधा के लिए पार्क में शौचालय तो बनवा दिए, लेकिन रख रखाव के नाम पर जीरो, जिसे प्रयोग करना असंभव सा लग रहा है। आपको हम यह भी जरूर बताएंगे कि पार्क से मात्र 50 गज की दूरी पर पुलिस पोस्ट होने के बावजूद यहाँ आने वाले नशेड़ियों पर लगाम नहीं कसी जा सकी, जो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है। इस संदर्भ में दो जिम्मेदार विभाग, नगर परिषद और पुलिस, कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। राजेंद्र जी, अभी आप पार्क में आए घूमने के लिए, क्या व्यवस्था देख रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? यहाँ इतनी गंदगी हो रही है, कोई सफाई नहीं है, कहीं पौधे पड़े, कहीं कुछ पड़ा, बाद में टॉयलेट है, टॉयलेट में इतनी गंदगी हो रही है, कोई लोग कहाँ बैठे, कोई सफाई नहीं, सब जगह गंदगी गंदगी हो रही है। पार्क लोगों के अच्छे स्वास्थ्य टॉयलेट की क्या कंडीशन है? टॉयलेट तो है, लेकिन टॉयलेट की ऐसी कंडीशन है जी, इसमें बड़ा भी नहीं जाता, इतना गंदा हो रहा है,
लोग भारी बाथरूम करते हैं, क्या कंडीशन है इसमें, क्या बढ़ा जाता है बाबा, इसमें बीमारी और लग जाती है बढ़ने से पहले। सर अभी आप पार्क में आए हैं अपने परिवार के साथ, यहाँ खड़े हैं, बच्चे भी साथ में हैं, क्या कंडीशन है पार्क की? पार्क में एक तो पानी की सुविधा नहीं है, शौचालय वो भी ऐसे ही पड़ा है, उसमें भी कोई बढ़िया हिसाब किताब ना है, ठीक है जी, कहीं बोतलें पड़ी है, पौए पड़े हैं, कहीं इंजेक्शन पड़े हैं, मतलब खाली देखे पीणी या पानी उरे आ जाए साइड में अपने बढ़िया जगह लगे उनने, लेकिन ये गलत है, जहाँ बैठने की वो है, घूमने की वो है, तो वहाँ सफाई होनी चाहिए, बढ़िया हिसाब किताब होना चाहिए, मतलब कुल मिला के आम आदमी की जगह नशेड़ियों की आराम दो चार तो, एक दो तो सो भी रहा है पराने पीपा बेंचे पे लंबा सो रहे। क्या लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं ढील बरत ढील है, प्रशासन की ढील है, देखना चाहिए ऐसी जगह को, सार्वजनिक जगह जो सबके लिए है, उसको ध्यान देना चाहिए।